जी के साथ जो मुझे जोड़ा जा रहा था वो बिल्कुल सच नहीं है। वहाँ अंदर हम एज गुरु शिष्य जाएंगे, लेकिन जसलीन ने वो मेरे गुरु जी रहे हैं हमेशा से और मैं उनकी शिष्य रही हूँ। कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे भी कंफ्यूज किया। कोई आपका फ्रेंड है तो डेफिनेटली वो आपके हार्ड टाइम्स में भी साथ में ही रहेगा। यू डोंट डिस्कस एनीथिंग विद मी। आई डोंट हैव एनीबॉडी, नॉट इवन यू। इट्स ओके। क्या कि रोमिल इज अ मैरिड मैन और या श्री एंड दीपिका। और टॉप के जो फिनाले कंटेस्टेंट्स आपको लगते हैं आपके हिसाब से कौन विन हो सकता है? श्रीशांत। हाय एवरीवन, दिस इज जसलीन मथारू, कीप वॉचिंग टेली रिपोर्टर। बिग बॉस के घर में कोई ना कोई धमाका जरूर होता है, वहीं इस बार इस धमाके की चपेट में जसलीन आ गई हैं। जी हाँ, हम बात करें जसलीन की, वो आज हमारे साथ हैं, तो चलिए बात करते हैं किस तरह से रहा उनका बिग बॉस की जर्नी। हेलो, हाय जसलीन, कैसी हैं आप? हाय हाय, बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। पहले तो मैं जानना चाहूँगी, इस बार का एविक्शन डबल एविक्शन हो गया, क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस बार आप घर के बाहर होंगी? ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे लगा था मैं फिनाले तक जाऊंगी, बट बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि एविक्शन मेरा तो हुआ ही है, बट डबल एविक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। बट ठीक है, 3 महीने रही हूँ घर में, 12 वीक्स, तो अच्छा तो लग ही रहा है। ओके, कह सकते हैं कि जब देखा जा रहा था, जब आप जब अनुप जी घर में थे तब भी आप काफ़ी चर्चाओं में थी, जब नहीं थे तब भी काफ़ी लोग ऐड कर रहे थे कि कहीं कभी आप उन आपका नाम कभी रोमिल के साथ बोल रहे थे कभी कभी कभी, तो आपके क्या कमेंट्स है पूरा, क्योंकि ऐसा आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ जोड़ा ही जा रहा है। एक्चुअली पहले तो मैं ये बात क्लियर कर लूँ कि हुआ ये था कि हम स्टेज पे गए और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जसलीन मेरी शिष्य हैं और वो स्टेज पे आए, और जैसे मैं गई मुझे लगा कि एक अच्छा सा प्रैंक हम स्टेज पे कर देते हैं, मैं चली गई और मेरा ही आइडिया था वो, और मैंने कहा, सलमान सर खड़े थे, मैंने उनसे कहा कि यू नो 3 साल से हम रिलेशनशिप में हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, और अनूप जी का रिएक्शन ऐसा था कि वो जैसे मतलब ही डिडंट नो कि क्या बोले वो उस वक्त। मुझे लगा कि वो मजाक में वो चीज़ डाल देंगे और वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, बट वो हुई नहीं, और वही सेम चीज़ वहाँ क्लियर भी नहीं हुई, और वो घर के अंदर भी यू नो चली गई। जब हम घर के अंदर गए तो सब अंदर जो को कंटेस्टेंट्स हैं उनको भी वो चीज़ लगने लग गई, वेयर एज हम जोड़ी थे बट एक विचित्र जोड़ी जहाँ पर हम गुरु जी एंड शिष्य बन के ही गए थे। तो अब जब मैं बाहर आई हूँ, मुझे ये बात सुनने में आई है कि वो बहुत एम्बैरेसिंग हो गया उनके लिए जब वो आए बाहर, एंड बहुत सी बातें हुई हमारे बारे में, तो ये बवाल मेरी वजह से ही हुआ है जहाँ पे वो प्रैंक जो है वो थोड़ा लंबा हो गया। सो या उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। कहीं ना कहीं शिवाशीष और रोमिल के साथ भी नाम जुड़ा गया, जैसे कि वो बाहर आए तो ये दर्शकों को दिखाया गया कि आपको उनमें भी सहानुभूति गेन करने की कोशिश की, तो कितना सच्चाई है इस बात? मैंने सहानुभूति गेन उनसे की जब से अनूप जी गए हैं। नहीं, एक्चुअली क्या था कि मेरी जो बॉन्डिंग थी जब अनूप जी गए थे, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था वो, क्योंकि मेरे दोस्त इतने कम टाइम में बन नहीं पाए थे, और सौरभ एंड शिवाशीष दोनों एक जोड़ी थे और दोनों के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी, बट वो सहानुभूति वाला मेरे केस में कभी रहा ही नहीं है, एक्सपेक्ट दैट। और मैंने वो चीज़ शिव के केस में भी, जब उनका एक वीक टाइम था तो मैंने पूरा ध्यान दिया उस चीज़ का कि यू नो उनका सहारा बनके मैं वहाँ पे रहूँ, तो सहानुभूति वाली बात तो डेफिनेटली नहीं थी, बट लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे तो। और रोमिल के केस में ये हो गया, मैं वो सहारे वाली बात वो पता नहीं वो सोमी ने कही थी, विच इज़ वेरी शॉकिंग कि जसलीन को शिव चला गया तो अभी यू नो रोमिल में सहारा ढूंढ रही है, जो बहुत ही एक बहुत गंदी स्टेटमेंट है। आई थिंक इस तरह की बात जब एक लड़की को कहती है तो बहुत गंदा लगता है। मतलब इस हफ्ते जो है ये जो 2 कंट्रोवर्सीज हुई, एक श्रीशांत जी की जो जिन्होंने चप्पल वाली मैटर हो गई थी, और दूसरी बात ही जो सुरभि ने बदतमीजी की थी अभी करणवीर के साथ मिलकर, हाँ जो वो वाली, तो आपको क्या लगता है कितना फेकनेस था या टीआरपी गेनिंग एफर्ट्स थे ये सारे? देखिए श्री के केस में मैं ये कहूँगी कि श्री इस शो में मैं एक तो सबसे रियल थी हमेशा से, मेरा बिहेवियर जो था, मेरा व्यक्तित्व था जो, वो बहुत खुल के निखर के आया है, और मेरे साथ साथ एक श्री हैं जिनका जो बिहेवियर है, जो पर्सनालिटी है, वो बिल्कुल ट्रू है, और कोई भी चीज़ अपना गुस्सा या इमोशन किसी तरह का वो छुपाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते, जैसे है खुल के रहते हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो हम दोनों की वो बॉन्डिंग इसलिए भी एक अच्छी रही है हमेशा से। एंड सुरभि के केस में मैं ये कहूँगी कि सुरभि मुझे थ्रू आउट माई जर्नी
समझ ही नहीं आई, क्योंकि एक टाइम होता था जहाँ वो 5 मिनट्स के लिए वो बहुत प्यार से बिहेव करती थी, और दूसरे टाइम वो इतनी बड़ी दुश्मन हो जाती थी कि जेल का नाम लेना हो तो जसलीन को चेप दो, कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं, और रीज़न क्या दे कि जसलीन ने मुझे पागल बोला है इसलिए मैं उनको जेल भेजना, अपनी पावर्स का मिसयूज़ उन्होंने मेरी केस में किया है। तो मुझे सुरभि सबसे ज़्यादा फेक लगती है घर के अंदर। दीपक जो है वो भी काफ़ी एंटरटेनिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जो वो चीज़ें क्रिएट करते हैं वो अलग ही जोन में चली जाती हैं? दीपक डेफिनेटली एंटरटेनिंग है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी है। तो दीपक जब कुछ बोलते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या बोल देते हैं, वो मजाक उनका किस लेवल पे चला जाता है, बिना सोचे समझे बात कर देते हैं। तो दीपक के साथ उस वजह से मेरा इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हुआ करता था कि पता नहीं ये क्या बोल देगा, मेरा मूड खराब करेगा, फिर मैंने रिएक्ट करना है। आपकी और मेघा की भी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी दिखी दर्शकों को, लेकिन दोनों साथ में निकलेंगी घर से, कैसे सोचा था कभी आप? बिल्कुल नहीं सोचा था। एक तो इतनी अच्छी और इतनी सच्ची दोस्ती मैंने बिग बॉस के घर में सोची नहीं थी। मुझे नहीं पता था मेघा में मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिल जाएगी कि हम घर के अंदर बैठ के ये प्लान करते थे हम मराठी मूवीज़ देखने जाएंगे और इस तरह की बातें। आई एम वेरी हैप्पी कि अगर हम साथ में एविक्ट भी हुए हैं तो एटलीस्ट हम बाहर एक साथ हैं और हम यू नो अपनी जर्नी जो है हमारी दोस्ती की वो साथ में अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आगे बात करें तो आगे कौन से कंटेस्टेंट्स हैं ऐसे जिनको आप सपोर्ट करना चाहेंगे? मुझे डेफिनेटली लगता है कि श्रीशांत, इसलिए क्योंकि जब श्रीशांत बिल्कुल फेक नहीं है और जिस तरह उनका बिहेवियर थ्रू आउट निखर के आया है, इतने लोगों ने उन्हें घर में यू नो टारगेट बनाया है, ताने मारना और अब शब्द यूज़ करना, तो मुझे लगता है कि जो उनकी पेशेंस लेवल भी है कहीं ना कहीं वो बेटर होती चली गई है, उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है गेम में। तो अगर बिग बॉस 12 की विनर जसलीन मथारू नहीं तो फिर श्रीशांत हो सकते हैं। लास्टली जानना चाहूँगी कि अब जब जसलीन बाहर आ चुकी हैं क्या कुछ करना पसंद करने वाली हैं वो? अब मैं बहुत सारे गाने गाऊँगी, बहुत सारी मूवीज़ करना चाहती हूँ और बहुत सारे इवेंट्स करना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैं सिर्फ काम 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 करना चाहती हूँ और सबको एंटरटेन करना चाहती हूँ। हाई एवरीवन, दिस इज जसलीन मथारू, कीप वॉचिंग टेली रिपोर्टर।